शराबबंदी को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि गुजरात और बिहार में शराबबंदी है। दोनों ही राज्यों में खुलेआम अवैध शराब बिक रही है। दोनों जगह करोड़ों रुपए के अवैध शराब के जखीरे पकड़ाए जाते हैं। रमन सरकार ने भी शराबबंदी की बात कही थी, लेकिन नहीं हुआ। हम सभी चीजों को ध्यान में रखकर शराबबंदी पर आगे निर्णय लेंगे। अखिलेश्वर पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश्वर, सीधी बात ये है कि फिलहाल तो शराबबंदी के आसार नहीं है, चाहे वो सरकार से ये संदेश मिला हो या फिर प्रशासनिक अधिकारियों से। कई बार पूछा भी गया तो ये कहा गया कि इतना आसान नहीं है। देखिए, शराबबंदी एक ऐसा मुद्दा है जिसको लगातार विपक्ष जो है समय समय पर उठाती है, चाहे वो सदन के अंदर हो चाहे सदन के बाहर हो। आज भी जिस तरह से बजट पे चर्चा हो रही थी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जब बजट पर चर्चा की शुरुआत की तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि दो राज्य ऐसे हैं, गुजरात और बिहार, जहाँ पर पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन बावजूद उसके अवैध शराब जो है खुलेआम बिकते हैं। गुजरात की अगर बात करें तो 250 करोड़ से ज़्यादा की शराब वहाँ पे लगातार पकड़ाए हैं, और जो छत्तीसगढ़ सरकार ने कमेटी बनाई है शराबबंदी के लिए, वो भी जब वहाँ अध्ययन करने के लिए गए तो वहाँ ऐसे कई बातें सामने आए हैं जो कि शराबबंदी वहाँ पे सक्सेस नहीं है। इस कारण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, हम भी छत्तीसगढ़ में शराबबंदी करना चाहते हैं, लेकिन गुजरात और बिहार की जैसे नहीं करेंगे, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेंगे, अध्ययन किया जाएगा और शराबबंदी जब करेंगे तो उसके बाद ऐसी गतिविधि जो अवैध रूप से शराब जहाँ बिके ऐसी गतिविधि छत्तीसगढ़ में संचालित ना हो, इस कारण देरी लग रहा है, हम भी शराबबंदी करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं शराब को लेकर जिस तरह से विपक्ष लगातार सवाल उठाते आई है, उसका जवाब जो है आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन के अंदर दिया। उन्होंने साफ कर दिया शराबबंदी करेंगे, लेकिन जल्दबाजी में नहीं, अध्ययन किया जा रहा है, कमेटी बनाई गई। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो कमेटी बनाई गई है उसमें बीजेपी एक भी बार सुझाव के लिए सामने नहीं आई है। बीजेपी आरोप तो लगाती है, बातें बड़ी बड़ी करती है, लेकिन कभी सुझाव नहीं दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने भी जब 15 साल उनकी सरकार थी, उन्होंने शराबबंदी की बात की थी छत्तीसगढ़ में, लेकिन वो भी शराब बंद नहीं कर पाए, इसलिए सवाल उनको नहीं उठाना चाहिए, चूंकि हमको 3 साल हुए हैं। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो बयान सदन के अंदर आया उससे एक चीज स्पष्ट है कि सरकार शराबबंदी के मूड में है, लेकिन जल्दबाजी में सरकार बिल्कुल भी फैसला नहीं लेना चाहती, क्योंकि जल्दबाजी में जो फैसला अगर लिया जाता शराबबंदी को, उसके दो दुष्परिणाम है वो देखने को निश्चित तौर पे मिलते हैं, और वो कोरोना काल में देखा गया था जब शराब दुकानें यहां पे बंद थी। इसलिए मुख्यमंत्री के वक्तव्य से यह साफ है कि सरकार शराबबंदी करेगी, लेकिन जल्दबाजी में नहीं, अध्ययन किया जा रहा है लगातार, उसके बाद कोई निर्णय इसमें लिया जाएगा।